हेलो दोस्तों, नमस्कार। SMKC चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। अगर आपने पहली बार विजिट किया जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल को भी चाहो तो फॉलो कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो, यहाँ पर भी बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सेलेक्ट करके रख लेना। इस चैनल का लिंक आपको ऊपर आई बटन पर या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों, आज के दिन की अगर हम लोग बात करें तो आप सभी लोगों को पता है हर किसी का फोकस एक ही चीज़ के ऊपर रहने वाला है, और वह है दोस्तों एक IPO के ऊपर। यस, और ये जो IPO है दोस्तों, इसने तो लिटरली मतलब इतने सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए जिसकी कल्पना किसी ने की भी नहीं थी। मतलब बोलते हैं ना, कुछ IPO आते हैं तो ऐसा लगता है हाँ भाई ये रिकॉर्ड तोड़ेगा करके, बट इस IPO की अगर हम लोग बात करें तो ऐसा लगा नहीं था कि इतने बड़े बड़े रिकॉर्ड्स ये कंपनियाँ सेट करेगी करके। एंड बहुत सारे बड़े बड़े IPO जो रिसेंटली आए थे उन सभी को पछाड़कर अभी IPO हम लोग को हाईएस्ट लेवल तक जाते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। मैं कौन से IPO की बात कर रहा हूँ? यस, हम यहाँ पे बात करने वाले हैं वारे एनर्जीज के IPO के बारे में। डेफिनेटली रिसेंटली हम लोगों ने देखा था टाटा टेक्नोलॉजी का IPO, ठीक है, उसका तो चर्चा काफ़ी ज़बरदस्त चल रहा था एंड वैसा चर्चा के हिसाब से परफॉर्मेंस भी रहा, सब कुछ रहा। देन अगर हम लोग बात करें तो बजाज हाउसिंग फाइनेंस का IPO था, उसकी भी ज़ोरदार चर्चा थी और चर्चे के हिसाब से इसने भी परफॉर्मेंस दिखाया, इसने भी रिटर्न्स दिखाए। दोनों IPO ऑलरेडी पता थे कि एकदम धूम धड़ाकेदार हम लोग को होते हुए देखने को मिलने वाले हैं। एंड अगर हम लोग बात करें वारे एनर्जीज की भी बात कर ले तो हर किसी को पता था कि भाई IPO जिसको लगेगा भाई उसकी तो चांदी होने वाली है, ठीक है, सोना होने वाला है। बट इतना ज़बरदस्त रिस्पॉन्स हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल चुका है कि मतलब कितने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। सबसे पहले आप देख सकते हो दोस्तों कि वारे एनर्जीज IPO सब्सक्राइब्ड 79.44 टाइम्स की अगर हम लोग बात करें तो, ठीक है, मतलब आप अंदाज़ा लगाकर देख सकते हो कि ओवरऑल कैलकुलेशन में बता रहा हूँ कि कितना ज़्यादा यहाँ पे होते हुए देखने को मिल चुका है। अगर हम लोग QIB की बात कर ले, सब कुछ ये सब्सक्रिप्शन टाइम्स में होते हैं, 215 गुना होते हुए देखने को मिला है। नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर 65 गुना, उसमें अगर हम बात करें तो दो हिस्से होते हैं, एक होते हैं बिग HNI, दूसरा होता है स्मॉल HNI। बिग HNI की बात करें तो 71 टाइम्स से ज़्यादा, स्मॉल HNI की बात करें तो 53 से ज़्यादा, ठीक है, मतलब स्मॉल HNI तो हम क्या पे कह सकते हैं काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से चलते हुए देखने को मिला, क्योंकि जितना कम उतना अच्छा भाई, कंपटीशन बहुत होता है। रिटेल की बात करें तो 11 से भी ज़्यादा, एम्प्लॉयज़ ने भी ज़बरदस्त आप देख सकते हैं 5.5 के करीब। एंड टोटल परफॉर्मेंस जैसे हम लोगों ने देखा 79.44 हम लोग को देखने को मिल चुका है। एंड अगर टोटल एप्लीकेशंस की अगर हम लोग बात कर ले तो एप्लीकेशन कितने, 97,34,503 टोटल एप्लीकेशन आते हुए देखने को मिल चुके हैं, जो कि टाइम्स के हिसाब से 8.84 टाइम्स देखने को मिल रहे हैं एप्लीकेशन, ठीक है। और ये एप्लीकेशन किसी ने सोचा भी नहीं था कि इतने आएंगे, 97 लाख से भी ज़्यादा, ठीक है। एंड इसके पहले हम लोगों ने क्या देखा था, टाटा टेक का हम लोगों को कितना ज़्यादा एप्लीकेशन देखने को मिला था, तो वो एप्लीकेशन देख सकते हो 73 लाख, ठीक है, 73 लाख। एंड बजाज हाउसिंग की अगर हम लोग बात कर ले तो इनके कितने एप्लीकेशन थे, टोटल 89 लाख, तो ये भी ज़बरदस्त थे 89 लाख। बट अभी हम लोगों ने जिसके एप्लीकेशन देखे वारे के, तो इसके कितने एप्लीकेशंस थे, तो 97, ठीक है, मतलब नियर 1 करोड़ के आसपास चले गए थे, ठीक है। इतना मैसिवली रिस्पांस हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल चुका है, ठीक है। एंड रिस्पांस तो रहेगा, हर किसी को पता ही था, क्योंकि जिसका GMPA तगड़ा रहता है भाई वहाँ पे तो रिस्पांस आ ही जाता है, इसमें कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं, ठीक है। बट ऐसा कल्पना नहीं की थी कि भाई ये मतलब टाटा टेक, बजाज हाउसिंग, इनको भी तोड़कर नंबर 1 पे यहाँ पे आ जाएगा करके, इतना कमाल का परफॉर्मेंस इस कंपनी ने यहाँ पे दिखाया है। देन अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, अगर आप चेक कर सकते हो जो बिडिंग के हिसाब से अगर बात करें, अमाउंट के हिसाब से बात करें, तो थोड़ा सा ये एक डेटा देख लेना, ऐसा बार बार चीज़ें देखने को मिलती है नहीं, ठीक है। काफ़ी इंटरेस्टिंग ये टेबल हम लोग को देखने को मिल रहा है। QIB की बात करें, चलो QIB तो ऐसे रहते ही है, बट कितना बिड अमाउंट डाला है देखिए, 1,83,000 करोड़, ठीक है। देन नॉन इंस्टीट्यूशनल्स की बात कर ले, जिसमें स्मॉल भी है, ठीक है, उसमें बिग भी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं, ठीक है। स्मॉल वाले हम यहाँ पे कह सकते हैं ज़बरदस्त तरीके का खेल उन्होंने यहाँ पे खेल लिया है, ठीक है। बिग में बहुत सारे लोग चले जाते हैं, उनको लगता है कि बिग में जाएंगे तो अच्छा खासा मिलेगा ही करके, तो ऐसा नहीं है, जहाँ पे कम लोग जाएंगे वहीं पे चांसेस ज़्यादा रहते हैं ऑब्वियसली, क्योंकि आजकल IPO ओवर सब्सक्राइब ही हम लोग को होते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। देन अगर हम लोग बात करें रिटेल इन्वेस्टर्स की बात करें दोस्तों, तो रिटेल इन्वेस्टर आप चेक कर सकते हो, 16,500 करोड़ से ज़्यादा का अमाउंट, बिड का अमाउंट उन्होंने डाला है दोस्तों, सभी के रिकॉर्ड तोड़ दिए। टाटा टेक में भी इतना नहीं था, LIC में भी इतना नहीं था, ना तो बजाज हाउसिंग में भी इतना नहीं था, कितना 16,500 करोड़ से भी ज़्यादा, ठीक है। और जिस प्रकार से
भविष्य में हम लोग को और भी बड़े बड़े IPO देखने को मिलेंगे, रिटेलर का पार्टिसिपेशन तो हम लोग को और भी तगड़ा यहाँ पे देखने को आप मिलने वाला है, ठीक है। और एम्प्लॉयज़ भी आप देख सकते हैं, एम्प्लॉयज़ ने भी 350 करोड़ के आसपास बिड का अमाउंट डालकर यहाँ पे रखा हुआ है। सो एकदम ही मतलब बोलते हैं ना, अद्भुत परफॉर्मेंस देखने को यहाँ पे मिल रहा है। जो लोग मार्केट में कई समय से है, जो बहुत बार IPO में अप्लाई कर चुके हैं, वही फील कर पाएंगे कि मैं एग्जैक्टली क्या बोल रहा हूँ। अभी जिसने जस्ट अभी अभी स्टार्ट किया है वो बोलेंगे ठीक है भाई 16,000 करोड़ क्या मतलब क्या होता है, तो ऐसा नहीं दोस्तों, आप जाकर चेक कर लेना। बाकी IPOs में इतना ज़्यादा हम लोग को यूजुअली रिस्पॉन्स देखने को नहीं मिलता है, इतना तगड़ा रिस्पॉन्स हम लोग को इस IPO में देखने को आप मिल चुका है। देन अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों तो ग्रे मार्केट प्रीमियम, यस फिलहाल क्या चल रहा है GMP, तो GMP आप देख सकते हो जैसे शुरुआत थी वैसे ही है, 100% के आसपास देखने को मिला। ये चेंज होता रहता है, बीच में याद है आपको मार्केट डाउन हुआ था, हाँ तभी इसका GMP गिर गए 90 तक आया था, मतलब कितना 10% तक टूट गया था। बट इतना तगड़ा GMP है भाई मार्केट को, मतलब क्या ही कितना भी कुछ हो जाए तो भी कितना उड़ उड़ कर कितना उड़ेगा, ठीक है। तो इसलिए ये IPO हम लोग अगर बात करें तो बहुत ज़्यादा चर्चे में हम लोग को होते हुए देखने को आप मिल रहा था। सो मतलब ज़बरदस्ती परफॉर्म, मतलब जिसको ये IPO लगेगा उसकी तो दिवाली हो गई, आप ऐसा ही यहाँ पे कह सकते हो। सो डेफिनेटली अभी दिवाली कब होगी, तो अलॉटमेंट स्टेटस की अगर हम लोग बात कर ले तो आप यहाँ पे देख सकते हो अलॉटमेंट स्टेटस क्या लिखा है। सो 24 अक्टूबर मतलब थर्सडे, मतलब आज ही के दिन की अगर हम लोग बात करें तो अलॉटमेंट सामने आते हुए देखने को आप मिलने वाले। अभी काफ़ी सारे लोग जैसे मैं ये बोल देता हूँ कमेंट सेक्शन में लिख ही देंगे, सर ये ऐसा बोल देते होता तो है नहीं, हम लेट नाइट तक इंतज़ार करते रहते, अलॉटमेंट तो कुछ आता है नहीं, ठीक है। तो दोस्तों आप एक शब्द मिस कर देते हो जो मैंने इसके पहले भी आपको काफ़ी बार बताया है, क्या लिखा है, वारे एनर्जीज IPO टाइमलाइन टेंटेटिव शेड्यूल। टेंटेटिव मतलब अंदाज़ा बता रहे भाई, ठीक है। तो ये कोई गारंटी नहीं है कि ये जो उन्होंने डेट बोली है, इनफैक्ट मैंने ये भी पॉइंट आप लोगों को काफ़ी बार बोला है कि लिस्टिंग की जो डेट बोली रहती है 28 अक्टूबर, ये कोई गारंटी नहीं होता है, वो आगे पीछे भी कर सकते हैं, ठीक है। टेंटेटिव होता है और एक दो बार केसेस में हम लोगों ने देखा भी है, ठीक है। सो ये पॉइंट पता होना चाहिए। तो यहाँ पे आज के दिन बोला गया है कि अलॉटमेंट मिल सकता है करके, एंड यूजुअली हम लोगों ने देखा है कि अगर आज अगर नहीं आया तो लेट नाइट कभी कभी आ जाता है, एंड अगर लेट नाइट नहीं आया तो सबको पता है कि भाई कल सुबह ही पता चल जाएगा, तभी चेक करके देखना पड़ेगा करके। सो डेफिनेटली यहाँ पे हम कह सकते हैं एक्साइटमेंट काफ़ी ज़्यादा देखने को यहाँ पे मिल रही है। एंड रजिस्ट्रार कौन है इनके, रजिस्ट्रार मतलब जो लोग पूछते हैं ना कि सर कहाँ पे चेक करने का, तो रजिस्ट्रार चेक करने का वहाँ पे आप लोगों को पता चल जाता है कि कहाँ पे, तो दो जगह पे आप लोगों को इसके अलॉटमेंट देखने को मिल जाएंगे। सो एक तो है दोस्तों लिंक्डइन टाइम की अगर हम लोग बात करें, ये भी एक फेमस वेबसाइट ही है, आप सभी लोगों को पता है IPO से रिलेटेड। चलो मैं क्लिक करके देखता हूँ, क्या पता वीडियो बनाते बनाते आ चुका होगा, तो नहीं नहीं अभी तक तो नहीं आया है। यहाँ पे मैंने क्लिक कर लिया तो डेटा तो यहाँ पे नहीं दिखा रहा है, और जैसे ही आ जाएगा ना तो मतलब ये साइट भी एकदम हैंगिंग हो सकती है, एकदम जाम भी हो सकते हैं, बिकॉज इतने सारे लोग चेक करने जाएंगे तो ये पॉसिबिलिटी यहाँ पे रहती है। तो ज़रूर आप चाहो तो इसके ऊपर फोकस रख सकते हो। एंड दूसरा कौन सा ऑप्शन है, तो दूसरा तो भाई जिसका कोई नहीं, नॉर्मल BSE, यस BSE के साइट के ऊपर भी जाके आप IPO स्टेटस चेक कर सकते हो, बट यहाँ पे आपको मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत सारा डेटा डालना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती है, बट यस आप यहाँ पे भी अपना अलॉटमेंट स्टेटस क्या कर सकते हो, चाहो तो चेक यहाँ पे कर सकते हैं। दोनों साइड पे आप लोगों को ये चीज़ें अवेलेबल रहते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाएंगी। सो चलिए ठीक है, जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे सारे यहाँ पे मैंने कवर कर लिए, अभी देख लेते हैं, इतना ही कह सकते हैं गुड लक टू एवरीवन। नसीब का ही खेल होता है भाई, इसके ऊपर तो हम कुछ यहाँ पे कर नहीं सकते, रैंडमली जिसको मिलेगा भाई वो खुश हो जाएगा, जिसको नहीं मिलेगा वो यही कहेगा भाई स्कैम है करके, ये हमेशा का रहता है, ठीक है। देख लेते हैं कि क्या होता है करके, तो चलो वीडियो को यहीं पे क्लोज करना चाहूँगा। पसंद आएगा तो चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।